You're on borrowed time. Let me get away. Yeah, I'm running. Yeah, I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Part of me told me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. 'Cause baby, when I'm gone, I'm gone for good. हेलो गाइस, पार्थ बॉस ब्लॉग का तरफ से आप लोग को स्वागत है। मैं आज बड़ौदा सिटी से करीब 85 किलोमीटर दूर गोल्डन चौकी होके पाकर होके खेरा डैम, जाम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ध्यानपुरी इको टूरिज्म प्लेस में जा रहा हूँ। एक ही जगह में तीन चीज़ आप लोग को देखने मिलेगा। तो इसी जगह पे, इसी एरिया में नवीन मेरा दोस्त वो भी जा रहा है, तो वो थोड़ा बताएंगे प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी के बारे में। बताइए नवीन। इसमें क्या है सर कि शहरों में दो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, पॉल्यूशन वाला, फिर ये जो दिन भर काम काज करते हैं, तो यहाँ जो प्राकृतिक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुदरत के खोले में आ गए हैं। एकदम प्राकृतिक नज़ारा यहाँ आने से आपको एकदम ऐसा लगेगा, एकदम आत्म शांति मिलेगी। सिटी में जब लोग मशीन बांध जाता है और रेगुलर काम रहता है, तो कभी कभी ऐसा जगह पे आके थोड़ा शांति का वातावरण लेना चाहिए। बराबर, ये आप बोलना चाहता है ना? हाँ ठीक है। संडे को, हर संडे को अपनी फैमिली को लेके इधर आओ। हर संडे तो पॉसिबल नहीं है, कभी कभी मौका मिलेगा तो इधर आने का है। तो चलिए हमारा साथ जाम्बूगोड़ा। हम लोग आ गया, गेट के अंदर घुसेंगे। आपका नाम सर? अजय भाई। अजय भाई, अंदर क्या क्या देखने का है? यहाँ पे डैम है, डैम है और टूरिज्म कैंप साइड है, इको टूरिज्म कैंप, इको टूरिज्म कैंप साइड। हाँ हाँ। और अंदर यहाँ पे आने के लिए पहले तो पास लेना पड़ता है, 400 रूपए एंट्री फी है। फोर व्हील का चार्जेस सब अलग अलग है। हाँ। अगर बाइक लेके आते तो पर पर्सन 40 रुपीज। 40 रुपीज फोर व्हील बाइक का 40 रुपीज पर पर्सन। पर पर्सन हाँ, दो मेंबर हो तो 80 रुपए होता है। और गाड़ी का 400 रुपए, उसमें आप 6 मेंबर तक जा सकते हैं। अच्छा, 400 रुपया गाड़ी का, 6 मेंबर तक जा सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई मोबाइल के अलावा DSLR वगैरह कैमरा हो, उनके लिए चार्जेस अलग से है। अलग से है। हाँ, और अंदर यहाँ पे ये 2 किलोमीटर का रास्ता है, पहले टूरिज्म कैंप साइट, ओके, उसके बाद लास्ट में डैम। 2 किलोमीटर का रास्ता, टाइमिंग शाम 6 बजे तक का। 6 बजे तक है। हाँ, और ये सेंचुरी एरिया है। अच्छा। तो क्या है कि अंदर प्राणी वगैरह क्या की घूमते रहते, वो घूमते, ये जंगल गिच जंगल है, गिच जंगल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राणी देखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा। डैम है और टूरिज्म कैंप साइट, उसके अलावा जंगल ट्रैक है 3 किलोमीटर तक का ऊपर। 3 किलोमीटर तक। हाँ, तो वो आपको जाना है तो गाइड लेके आप जा सकते हो, वॉकिंग डिस्टेंस। वॉकिंग डिस्टेंस। हाँ हाँ। तो गाइड का चार्ज रहता है अलग से। गाइड का कितना चार्ज है? 200 रुपए चार्ज है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ट्रैकिंग पे जाना तो अलग, भी दूसरा जो रूट है वहाँ पे जाना तो अलग से चार्जेस लगता है। यहाँ पे ट्रैक पे जाना है तो 200 रुपए। अच्छा, मैं सुना जो इधर रुक भी सकते हैं। हाँ, स्टे कर सकते हैं आप। स्टे कर सकते हैं आप, जो हमारे साइट है, ऑनलाइन सिस्टम है स्टे का, वडोदरा वाइल्ड लाइफ डॉटिंग साइट है हमारा। हाँ, उसके ऊपर से आपको नाइट स्टे चाहिए तो उसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। नाइट स्टे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक हो जाता है। उसमें 1650 नॉन AC, नॉन AC 2 पर्सन का। अच्छा, 24 घंटे का रहता है। उसमें खाना वगैरह आपका इंक्लूड होता है। AC के लिए 2900 रुपए है, AC के लिए 2000। हाँ, और जो बुकिंग होता है उसके अलावा जो ये एंट्री फी रहता है वो कंपलसरी रहता है। अच्छा, बुकिंग जो करते हैं उसके अलावा ये एंट्री भी आला कंपलसरी। थैंक यू। हम लोग जा रहे हो जंगल के अंदर अभी, इको टूरिज्म एरिया में। चलिए, ये गेट है। बहुत टूरिस्ट आया देखने के लिए। देखिए बाइक सवारी, चारों तरफ देखिए ग्रीनरी है, सबूज। ये अद्भुत नजारा है ना नवीन? ये पक्षी भी मिलता है। हाँ, ये कोयल बोलते हैं इधर। कोयल बोलता है इधर। कोयल, इधर का लैंग्वेज में कोयल बोलता है। ये बांस का पेड़ है क्या? हाँ, ये बांस का पेड़ है। बांस का पेड़ है। बेहतरीन नजारा।
लालगढ़ की ये ऊपर देखने जैसा है खाली। हम लोग अभी कारा डैम की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। पार्किंग है इधर ही, गाड़ी छोड़ के डैम का तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। टूरिस्ट आ रहा है बहुत सारी ये व्यू का मजा लेने के लिए। डैम में सुस्वागतम लिखा है, देखिए। हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ, काराबाद दिखाई दे रहा है, देखिए। हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ, कितना बेहतरीन लग रहा है ना नवीन भाई, कैसा? क्या बेहतरीन नजारा है ना, भगवान ने क्या बनाया, कुदरत का करिश्मा, ब्यूटीफुल नवीन भाई, ब्यूटीफुल एकदम, जैसे माउंट आबू में आ गए ऐसा सीन लग रहा है चारों तरफ। मेरे को लगता है माउंट आबू से भी अच्छा लग रहा है, मैं तो माउंट आबू 3-4 बार गया, उससे भी अच्छा लग रहा है। तालाब के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, बीच में तालाब है, बीच में तालाब है, बहुत ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग प्लेस, माइंड ब्लोइंग प्लेस, दिल छू जाता है ना, दिल छू जाता है। टावर है, टावर, टावर डैम का टावर है ना, सबसे ऊपर टावर है, टॉप टॉप पर है अभी हम, टॉप पर है। इधर से आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बीच में ये जो तालाब है, ओहो एकदम रमणीय, माइंड ब्लोइंग, डैम का तालाब है, एकदम अमेजिंग प्लेस है। कुदरत का करिश्मा, कुदरत का नजारा यहाँ पे आह्लादकता आपको जो दिख रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई आत्मिक शांति की अनुभूति हो रही है, अलग से दिल में छू जाता है ये नजारा देखने के बाद। देखिए क्या ब्यूटीफुल व्यू, दूसरी तरफ एक गेस्ट हाउस है वो दिखाई दे रहा है। मिरर देखिए, मिरर इसका अंदर उधर का जो पहाड़ का जो बेहतरीन नजारा दिखाई देता है, तालाब भी देख रहा है, तालाब भी देख रहा है, बेहतरीन नजारा मिरर में दिखाई देता है, मिरर में दिखाई देता है, क्या नवीन है ना। और टावर पे टॉप पे जो लोग टूरिज्म आए वो भी देख रहे हैं। हाँ अच्छा, जो टूरिज्म आया टॉप में देख के जो व्यू देख रहा है उसको भी दिखाई दे रहा है, ये तो मस्त लग रहा है। हाँ हाँ, देखिए टूरिस्ट आया मजा ले रहा है ये डैम का। डोंट मिस टू कम हियर, एक बेहतरीन नजारा, चारों तरफ सबूज ग्रीन ग्रीनरी, एक दिन पिकनिक के लिए भी बेहतरीन जगह है, आप लोग इधर रुक भी सकते हैं। हमें इको टूरिज्म सेंटर भाटगांव, हम लोग अभी इको टूरिस्ट सेंटर भाट में आया। ये पेड़ का बहुत महंगा पेड़ है तो झाड़ बोलता है, ट्री प्लांट जो भी बोल सकता है, इसका बारे में नवीन थोड़ा बताओ ना क्या है इसका। सर इसको गुजराती भाषा में इसको साग का पेड़ बोलते हैं, साग का पेड़, साग, हाँ ऐसे नॉर्मली भाषा में सादर भी बोलते हैं, सादर। अच्छा, ये पेड़ काटने पे प्रतिबंध है गवर्नमेंट का,
प्रतिबंध है। क्यों प्रतिबंध क्यों है? ये क्या है, बहुत महंगा चंदन की, चंदन का पेड़ आता है ना, हाँ, उसके बरोबर के लेवल में ये पेड़ है। ये पेड़ से क्या बनता है, क्यों महंगा है? इसके फर्नीचर बनते हैं बड़े महंगे महंगे, फर्नीचर बनता है महंगा महंगा। अच्छा, वुडन का जितना भी कला है इससे बनता है, ठीक है। पेड़ का नाम क्या बताया आप दोबारा? साग। साग, ठीक है, बहुत जानकारी मिला। चलिए और जंगल का अंदर। आनंद है। नवीन, ये तो गंभीर जंगल है ना? ये बहुत घना जंगल है। घना जंगल है, सांप बगड़ा भी दिखाई देता है। हाँ, अभी बड़ा सांप नहीं देखा हम लोग, बड़ा सांप भी दिखाई दिया, वीडियो खींच नहीं पाया, वो भाग गया था। देखिए गंभीर जंगल है, बहुत घना जंगल। हाँ, हम लोग गाड़ी लेके अंदर आओ जा रहा हूँ। नवीन इधर क्या क्या है? ये सांप का रापड़ा बोलते है हमारे गुजरात में। सांप का रापड़ा? हाँ, सांप का रापड़ा, इट मीन्स सांप का रहने वाला घर, गुफा, इसके अंदर सांप रहता है। अभी सांप है क्या? नहीं, अभी अंदर होगा, अंदर फैमिली के। बहुत तो खतरनाक एरिया है, है? तो आपको डर नहीं लग रहा है, आप नजदीक गया? नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं करते हैं। क्यों? ऐसे रोड का हमारी प्रकृति के साथ सेटिंग हो गया है ना। हाँ, ये हमको कुछ नहीं करते। अरे देखिए, सांप का घर है, जब सांप का घर बोल सकता है। तो इधर का जो बोला आपका लैंग्वेज से क्या बोलता है, इसका सांप भी है अंदर बहुत सारी। तो ये जंगल में आके ये भी देख लिया हम लोग। और एक सांप का रफड़ा देखिए, सांप का घर कितना बड़ा है ये। हम लोग और जंगल का अंदर जा रहा हूँ, 5 किलोमीटर ये जंगल एरिया है। अभी हम लोग जंगल का अंदर ही है, पूरा जंगल एरिया है। आप लोग को जंगल का वीडियो शेयर भी कर रहा हूँ। ये इधर कभी कभी शाम का टाइम में चीता भी आता है, टेंदुर आता है, और सांप को तो दिखाई दे रहा है, हमें वीडियो खींचने पर, इतना खतरनाक सांप है। तो पूरा जंगली एरिया है ये, इको टूरिस्ट प्लेस भाट। और जंगल का अंदर जा रहा हूँ हम लोग। इको टूरिस्ट सेंटर भाट, देखिए क्या बेहतरीन नजारा, पहाड़ का ऊपर हूँ हम लोग, एक अद्भुत नजारा। क्या लग रहा है नवीन भाई? बहुत बढ़िया है, कुदरत का करिश्मा, भगवान का करिश्मा है ना। ये सनसेट पॉइंट है, ये सनसेट पॉइंट है। अमेजिंग, ये लास्ट में खाई आ जाती है सर, बहुत बड़ी पहाड़ी खाई। आप लोगों को कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है। अमेजिंग ना, अमेजिंग
लेकिन माइंड ब्लोइंग। ये पहाड़ का एकदम ऊपर हूँ हम लोग। ये टावर है, देखिए इसके ऊपर चढ़ के सनसेट देखता है। टावर है, वाह देखिए। हर हर महादेव। ये जंगल का अंदर आप लोग इको टूरिज्म सेंटर वाट में 5 किलोमीटर तक सफ़र कर सकते हैं गाड़ी लेके। रास्ता ठीक ठाक है, जा सकता है। इको टूरिस्ट सेंटर भट भाई साहब, आपका नाम क्या है बता, पूछो गुजराती। हमारा नाम शू है? हमारो चेतन। चेतन नाम है। तुम यहाँ रहो छो? वहाँ जना तो ये जोवा मिलता सही है ना? हाँ, जोवा मिलता है। क्या क्या देखने मिलता है रात में? क्या क्या देखने मिलता है रात में? चित्ता बुत्ता सब निकलता सर बाहर रात को। रात में चित्ता निकलता है? हाँ। तो आप कैसे रहता है, आपको डर नहीं लगता है? रात में जोवा मिले तो आपको डर नहीं लगता है? आपको लागे तुमने? भीख लागे? भीख नहीं लागे। टेव दे गए? टेवाई गया। तो हम लोग आ सकते हो रात में? सौ आगे निकल हमारे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में हमारे पहुँचवा के नहीं जाए जंगल में। आम आदमी हम लोग खा सकते हैं रात में? हम लोग आई सके रात रहे? आई सके रात रहे? अच्छा, धन्यवाद। चलो पानी। ये जंगल का अंदर पत्थर देखिए, कितना बढ़िया लग रहा है। हम लोग अभी इको टूरिस्ट सेंटर भाट में हूँ। जाने का टाइम में गाड़ी लेके अंदर जंगल में 5 किलोमीटर जा रहा हूँ। तो ये महुआ का पेड़ देखा नवीन, थोड़ा बताएंगे। सामने पहाड़ है, पहाड़ भी है, तो पेड़ के बारे में, महुआ का पेड़ के बारे में बताइए। तो गुलजार में बहुत ही फेमस पेड़ है, विख्यात पेड़ है। ये महुआ का पेड़ है ना, वो आयुर्वेद की दृष्टि में बहुत स्वास्थ्यवर्धक माना गया है इस पेड़ को। अच्छा। ये क्या, हमारे उधर गांव में बेल होते हैं ना, बेलों को उसका लड्डू बना के खिला के उससे ताकत आती है। और मानव के लिए भी, मानव जीवन के लिए भी उसके जो फूल आते हैं उसका भी स्वास्थ्यवर्धक में बहुत उपयोगी है। और उसका तेल निकलता है ना, उसका सब्जी बनाने में भी होता है। अरे उसका रस भी पीता है? अच्छा ठीक है, धन्यवाद। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर आप लोग को चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब अच्छा रहना, टेक केयर।